हेलो एंड वेलकम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे। एक बार फिर हम लेके आ चुके हैं संस्कृत का पेपर, जहाँ हम संस्कृत के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको RBS से जुड़ी वो हर वो खबर, जैसे कि आंसर की हो गई, रिजल्ट डेट हो गई, वो सबसे पहले मिलेगी। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर हम संस्कृत का पेपर लेके आ चुके हैं आप सभी के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखना, और मुझे जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया कमेंट में जरूर से बताना, मैं तभी का तभी आपको रिप्लाई दे दूंगा। और साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि इसके आंसर भी मैं बताऊंगा। और चलिए करते हैं शुरुआत बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप हमारे से रेगुलर जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना टाइम वेस्ट किए, सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, राम लक्ष्मणों कस्य समासम उदाहरण अस्ति, राम और लक्ष्मण का कौन सा उदाहरण। मैं बेसिकली बता देता हूँ कि अगर आप लोकल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करोगे तो संस्कृत कुछ भाषा बड़ी है नहीं, इसको आप लोकल लैंग्वेज जितना समझने की कोशिश करोगे उतना आपके लिए आसान होती रहेगी। तो बिल्कुल इसमें पूछा गया राम और लक्ष्मण का कौन सा समास स्थित है। जैसा कि सभी को पता होगा, हिंदी में एक क्वेश्चन आया था जिसमें द्वंद समास के दो उदाहरण लिखने थे, उसी तरह हम राम और लक्ष्मण भी लिख लेते, राम अथवा लक्ष्मण भी लिख लेते तो आराम से सही होता। तो बेसिकली वही है द्वंद समास जिसका राइट आंसर है। जैसा कि सभी को पता है, हिंदी में द्वंद समाज के दो उदाहरण लिखने थे, तो बेसिकली वही है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है राम और लक्ष्मण, जिसका राइट आंसर है ग, यानी द्वंद समाज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय इति शब्द संधि विशेष भवति, यानी जो पुस्तकालय है उसमें संधि विच्छेद करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह ख, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, बिल्कुल एकदम राइट आंसर है, पुस्तक प्लस आलय इसका ख राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जहाँ सम उपसर्ग युक्तम पदम अस्ति, जो सम का जो उपसर्ग है वो कौन से युक्तम पद जो नीचे शब्द दे रखे हैं उनमें से कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वन सम भाषणम, यानी कि फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जब चौथा राम पुस्तक पढ़ती रेखांकित शब्द अस्ति, राम पुस्तक पढ़ रहा है, जो रेखांकित राम के नीचे रेखा खींची हुई है वो शब्द है, यानी वो शब्द कौन सा है, या विशेषण में या अस्य में या संज्ञा है सवर्णा में। तो बिल्कुल आप सबको बताए संज्ञा है, क्योंकि नाम संज्ञा में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, जहाँ पर पांचवा क्वेश्चन, योक्तम पातकम पाठ्यक्रम अस्ति, तो इसका मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम छठे क्वेश्चन की, तो छठा क्वेश्चन आपके लिए ये पूछा गया है, अधुना अह ग्रह गच्छामि अस्सी में वाक्य अव्यय शब्द वर्तते, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जरूर से रिप्लाई दें, मैं तभी का तभी आपको बता दूंगा कि आपने सही कहा है या गलत कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ग्रामम परित वृक्षा संति इते वाक्य भवक्ति विभक्ति अस्ति, यानी कि जो ग्राम प्रति वृक्षा संति में कौन सा इति वाक्य विभक्ति है। तो इसका जो राइट आंसर है वह मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जहाँ पर लिखा गया है पीठितिवा इति शब्द क्रम प्रत्यय से उदाहरण अस्ति, तो पीठितिवा इसमें जो कौन सा प्रत्यय शब्द का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कत्या पीठावती, इसका जो ग है वो इसका राइट आंसर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपके हिसाब से कौन सा हो सकता है, मेरे हिसाब से ग इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो नवा क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, नीचे दिए गए शब्दों का आपको संधि विच्छेद करना है, जैसे कि परोपकारयम, यानी कि प्लस वाले गैप संधि विच्छेद वही होता है जिसमें प्लस परोपकारयम लिखा हुआ है, तो इसका लिखा प्रोप प्लस कार्यम, प्लस प्रोप प्लस कार्य हो सकता है, देव प्लस आले हो सकता है, एक प्लस एक हो, नरेंद्र हो गया, जैसे नरे नर प्लस एंद्र, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास विग्रह करूत, मतलब समास को विग्रह करना है आपको, नीलकंठ, जैसे नीला है कंठ जिसका, नीलकंठम ऐसा कोई हो सकता है, इसका आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। बेसिकली बहुत सरल है, जैसे ही आप शब्द देख सकते हैं, सीतारामो दशानन राजपुरुष और नीलकंठ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में सभी का आंसर दे सकते हैं। और 11वां जो क्वेश्चन पूछा गया है वह पूछा है, धातु प्रत्यय योजित्या पुनर्निर्माण करूँ, यानी कि उसमें इस शब्दों को प्लस करके इसका पुनर्निर्माण करना है, नया शब्द बनाना है, जैसे पाप प्लस तुमन, उप प्लस गमन, जैसे उपगमन, ये सेकंड क्वेश्चन है, जैसे उप प्लस गम यानी उपगमन, लप प्लस लय प्लस खाद प्लस ऐसे को, श्रेष्ठ प्लस तरप, जैसे लास्ट वाला श्रेष्ठ प्लस तरप, श्रेष्ठतरम। जैसे 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदेशु उपसर्गाम पृथक करूत, यानी कि आपको उपसर्ग को अलग करना है इसके अंदर से,
तो आप आसानी से कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आधे आधे नंबर का, 4 नंबर के ये क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, जैसे 12वां हो गया, जैसे कि अब 13वां करते हैं। सर्वनाम शब्दार्थ प्रयोग करता है रिक्त स्थान पूर्ति करा, यानी कि जो सर्वनाम ऊपर दे रखे हैं तो यूयम अहम और तत्म, इसको जोड़कर आपको नए शब्द का निर्माण करके पूरे वाक्य को पूरा करना है। तो बेसिकली आप आसानी से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ 14 पूछा गया है, जो नीचे उदाहरण दे रखा है, जैसे कि दशरथ रामस्य पिता अस्ति, तो जैसे कि विमला विमला को कैसे संस्कृत में लिखा जाता है, आपको बीच में सिर्फ लिखना है। तो बेसिकली बहुत सरल है, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ दशरथ, जैसे राम कोष्टक में लिखा हुआ, उसके लिखा हुआ दशरथ रामच पिता अस्ति, तो और राघव विमला, विमला को संस्कृत में क्या लिखा जाता है, और फिर विद्याधर को क्या संस्कृत में लिखा, सरला को क्या लिखा जाता है, और नलिनी को क्या, नलिनी को क्या लिखा जाता है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। आप आसानी से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, दिशे न सुतारणे रिक्त स्थाने से क्रिया रूपत लिख, यानी कि आपको क्रियाए रूप लिखना है, जो साइड में दे रखे हैं कोष्टक में वही लिखना है। इसके अंदर कौन सा क्रिया रूप आ सकता है, तस्य पितु नाम कृष्ण सिंह, तो आप इसे अस अस आएगा, या फिर लड़ ये आएगा, लड़क ललकार आएगा, या फिर गम धातु आएगा, या फिर गम धातु, इस प्रकार आपको कौन सा, आपके हिसाब से कौन सा राइट हो सकता है, वो इसके बीच में लिखना है, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, वो भी बेसिकली जो पीछे दे रखे हैं वही से। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ 16वां पूछा गया है, जो मंजुपात आकाना कुर्ते पदानी अस्ति, यानी कि आपको लिखा हुआ है कि जो जैसे कि 48 कौन सा इसमें संस्कृत में लिखा हुआ है, 27 कौन सा इसमें संस्कृत में लिखा हुआ है, 19वां कौन सा लिखा हुआ है, 38 कौन सा लिखा हुआ है, टोटल मिला के, जैसे कि मैं आपको अष्ट सत वारिस 30, मतलब फर्स्ट जो लिखा हुआ वो 38 लिखा हुआ है, पसे एकोने 20 30, यानी कि एक एकोने 20, यानी कि आपको 19वां इस पे लिखा हुआ है, फिर अष्टात्रिस्तन इस मतलब 48 लिखा हुआ है, इस तरह से 27 मतलब 27 लिखा हुआ है। तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, बेसिकली बहुत सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, घटना क्रमानुसारणे वाक्याने लिखित, यानी कि जो आपको घटना दे रखी है उसके हिसाब से आपको वाक्य को पूरा लिखना है, या फिर अपने हिसाब से इसका उत्तर लिखना, जैसे ते कदाचित मत प्राण अकुर्वन, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। बेसिकली मुझे संस्कृत पढ़नी नहीं आती, तब मैं इसे धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी, मैंने 8th तक मराठी पढ़ी है। बेसिकली मैं CBSE से पढ़ रहा हूँ, वहाँ सिर्फ 8th तक मराठी ही पढ़ाई जाती है, आगे नहीं पढ़ाया जाता, आगे थर्ड लैंग्वेज को काट दिया जाता है, सिर्फ 5 लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। फिर 18वां क्वेश्चन है, सुमेलन कुरुत, मतलब आपको मेल करना है, इसका जो कौन सा, जैसे सत्य शिव सुंदरम, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो सकता है, राष्ट्रीय सुंदरम हो सकता है, या फिर भारतीय मौसम विभाग हो सकता है, या फिर, तो इसका जो राइट आंसर है वो राष्ट्रीय सुंदरम हो सकता है, सत्य शिवम सुंदरम, आप आसानी से इसका मेल कर सकते हैं। तो बेसिकली बहुत सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धोलिखात्मक प्रश्नात् उदाहरण लिखित, आपको नीचे दिए गए प्रश्न को उदाहरण सहित लिखना है, तो आसानी से आप कर सकते हो, आपके पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन हो सकते हैं, फिर हो सकता है कि 100% वहीं के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बात करते हैं, 20वें की जहाँ अंधोलिखित प्रश्नार्थ उदाहरण से एक पदे उत्तर लिखित, मतलब एक शब्द में आपको नीचे दे रखे प्रश्नों का उत्तर देना है, बेसिकली बहुत सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, यहाँ पर आपका पेपर समाप्त नहीं होता, अभी तो बहुत सारे प्रश्न बाकी है, जैसे कि आपका 2100 हो गया, रेखांकित पद प्रश्न निर्माण करूँ, जो नीचे शब्द के जो रेखांकित है आध्यात प्रश्न निर्माण करूँ, आपको प्रश्न निर्माण करना है नीचे दो रेखांकित शब्द है उसका, तो आप आसानी से कर सकते हैं। एक जमीन अश्रुधारा अठना धर्म आसानी, जैसे कि आप 22वां क्वेश्चन है, पुस्तकालय 2 श्लोकों लिखा ये प्रश्न न सस्ते, मतलब पाठ्य पुस्तक में से आपको 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न में नहीं है। जी हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो 2 ऐसे श्लोक लिखने हैं जो इस पाठ्य पुस्तक में है ही नहीं। फिर एक प्रार्थना पत्र लिखे संस्कृत लिखे, आपको प्रधान अध्यापक को एक प्रार्थना अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है और वो संस्कृत में लिखना है, अथवा इसके अथवा में लिखा है, फिर इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये विद्यालय अब इसके आना चाहिए मंजूसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, जहाँ पर लिखा हुआ है 24वां, बिल्कुल हिंदी भाषा में आपको एक कथा लिखनी है, बुद्ध्या विदुरतन्वा, या फिर ये सती सहंती से सुपाश्म, इसको हिंदी में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ बात करते हैं, जहाँ आपको हिंदी में जो श्लोक दे रखा है उसको हिंदी में लिखना है, भावार्थ इसका हिंदी में लिखना है, या 25वां क्वेश्चन है, और 26वां जो क्वेश्चन है इसको जो अपठित गद्यांश है उसको आप
जो ऊपर दे रखा है कहते हैं उसको प्रश्न नीचे दे रखे हैं उसको प्रश्न का सॉल्यूशन निकालना है। बेसिकली बहुत सरल है। आप कर यहाँ आपका पेपर समाप्त होता तो मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग हमारे चैनल पर नया है वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, क्योंकि देखो मेरे को संस्कृत नहीं आती थी फिर भी मैंने जितनी कोशिश की आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आ गया हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।